आदाब नाजरीन, एस वाई एस चैनल में आपका इस्तकबाल है। जी एच एम सी और वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों की लापरवाही की वजह से सुल्तानशाही की आवाम काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। उनके घरों में कई दिन से पानी नहीं आ रहा है, अगर पानी आया तो भी बहुत गंदा मिनहोल का बदबूदार पानी आ रहा है। और अभी रमज़ान को दो चार दिन ही बाकी है, वो इस मसाइल से काफ़ी परेशान है। ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल ख़राब है, आए दिन मेन होल भरते रहते हैं और गंदा पानी रोड पे से बहता है और नमाज़ों को जाने के लिए काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मसाइल को लेके आज वो मीडिया से बात की और मीडिया को अपने मसाइल के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने बार बार कंप्लेंट करने पर भी अहदेदार कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरह से वो दो दिन में कुछ काम अंजाम नहीं दिए तो वो जीएचएमसी और वाटर वर्क ऑफिस के सामने धरना मुनज़िम करेंगे। आइए दिखाते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट हमारे चैनल एस वाई एस के ज़रिए से। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। कहाँ के कारपेंटर थे आपके भाई? चंचलन कैसा पानी आ रहा? पीछे वाले पूरे पूछा पूछा पानी आ रहा है, कैसा पानी आ रहा पूछा यहाँ से बहुत पानी। ये आपका सुनहरा तेलंगाना है ना साहब? ये फिर तेलंगाना छोड़ जा रही है, कृष्णा का पानी, गोदावरी का पानी बोले आप जमा तो पूरा बोरी ना साहब पूरा डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या बोले आप? चार पाँच दिन तो पानी आ रहा ही नहीं। फिर आप लोग कोई कंप्लेंट नहीं ले? पंद्रह दिन से पानी नहीं है, ये पूरे लहनों में गंदा पानी। नवीन सुपरवाइजर को बुला के मैं दौरा कराया, मोहलपुरे में जाके मैं बात करा, साहब महल्ले वाले आके पकवान पकाने यहाँ बैठ जाते, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं है। ये मेन होना निकल जा रहे हैं, हर थोड़े दिन तुम मोरी फैलती यहाँ से, और पूरा नाला में गंदा ड्रेनेज का पानी। अब दो दिन के बाद रमजान शुरू हो रहा, क्या रोज़ा रहेंगे या गंदे पानी से इफ्तार करेंगे? मुकामी कारपेंटर उमरा करने जाके जमजम पी रहे हैं, वहाँ पे हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं यहाँ पे। आपके कॉर्पोरेटर कौन है? कारपेंटर कोई भी रहता साहब, कारपेंटर सवाल नहीं है, ये काम डिपार्टमेंट का है, इसमें कारपेंटर का बजट नहीं है, कारपेंटर घर से पानी ला के देना नहीं है। नहीं है, कितने कितने एरियाज को प्रॉब्लम है? ये पूरे यहाँ से तकरीबन 50 घरों को प्रॉब्लम है। लाइन से यहाँ से मुस्तफा की मस्जिद से लेकर वहाँ तक पानी नहीं है, ये पूरे घरों के लोग हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं, सुबह में ड्रेनेज का गंदा पानी 15 दिन से आ रहा है यहाँ पे। तो कंप्लेंट नहीं करे भाई? फिल्टर से पानी ला के भर रहा हूँ, मोहर बड़े से ला के भर रहा हूँ। ये हमारे ड्राइवर साहब को रिक्वेस्ट करे तो तीनों यहाँ पे उतार के पानी दिए। देखो आप सुल्तानशाही के अंदर मोहलपुरा पानी यहाँ पे, फिर गवर्नमेंट बॉडी कलेश्वरम प्रोजेक्ट करे, गोदावरी से पानी लिफ्ट कैप से पानी उठा के लेके आए, के टी आर साहब जाके अमेरिका में बोल रहे हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट 20 लीटर पानी फ्री दे रही। किसकी किसकी है 20 लीटर पानी फ्री? कहाँ है 20 लीटर पानी फ्री बोलो आप? यहाँ पे ना फ्रेश पानी मिल रहा, ना फ्री पानी मिल रहा, ये गंदा पानी है। देखो इसको बना रहा भाई, जाओ भाई हम लोग ये मेनल का पानी बहता आप रुका हुआ है, हर दो दिन में साफ कराना पड़ता है, पड़े ला के साफ कराते चले जा पाते मेरे पूरा पानी। नमाज को नहीं जा सकते आप, पूछिए इनसे ये मोल साहब देखिए आप कितने बार नमाज को मस्जिद पे जाते हैं, ड्रेनेज के पानी में से बहते हुए जाते हैं। ये कब से नहीं आ रहा था पानी यहाँ पे? 10-15 दिन साहब, पूरा ये मार्च का महीना निकल गया पूरा। किसको भी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं? ऑफिसर को कंप्लेंट करें, बल्दिया वालों को करें, लाइनमैन समदानी को करें, मेरे पास वीडियोज है,
मेरे पास फोटोज है, संबानी द्वारा करें इसको पूरे आपको लोगों को बता दूँ वीडियो के अंदर। संबानी कौन है? संबानी लैंड में है, चाऊ से देखा पूछिए, चाऊ साहब पानी कब से नहीं है यहाँ पे अपने पास? ये हमारे महल के खदीम चाऊ से है, जो हम दो मल्टी जिसका नाम से मशहूर थे मैत्री कमेटी के, उनके फर्जंद है। आप पूछ सकते हैं कि पानी की ये मेहनत कितनी भाई थी, और यहाँ पे पानी कितना आ रहा, बाजू बच्चा है, बाजू बच्चा है, उन लोगों को पानी नहीं है। ये एक टैंकर बेचारे में लेके आ रहे हैं, मेहरबानी करके वो एक दिन आठ दो दिन में लाए तो बोला हम भरिए दो दो खड़े पानी। 40 साल पहले भी यही हर साल सुल्तान शाही में पानी का, आज भी वो हाल है। बोले साहब साहब सभी आ रहा है तो समझो आपसे भी बर्फों का पानी आ रहा, उसके बाद से समझो आप पानी पीने आ रहा, तो 15-20 मिनट आके बंद हो जा रहा है। ये 15-20 मिनट से चल रहा है, पानी जो आ रहा है भारत डिपार्टमेंट का वही नाम लगा रहा है। इसको रिक्वेस्ट करके हम लोग समझो आप एक गाड़ी को दो जगह डिवाइड कर ले रहे हैं, आधी गाड़ी एक घर में, आधी गाड़ी एक घर में। तो क्यों आप लोग क्या नल का बिल नहीं बन रहा है? नल का बिल का तो अलहमदिल्ला आपको बता सकता हूँ अभी कि हम नल का भी तो प्रॉपर बन रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है प्रैक्टिकल हमारे साथ, वो हम उसको वो कर गुजारिश है आपने उसके भाई। और एक महल के सीनियर भाई, पानी अपने पास कितने दिन से नहीं है नल का पानी? 4-5 दिन तो आ रहा ही पानी, 15 दिन से तो क्या गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी आ रहा, अब तो वो भी नहीं आ रहा, अब तो वो भी नहीं। अब रमजान में अपन क्या करना है, मुश्किल है। क्या करेंगे आप लोग अगर रमजान में ऐसे ही रहेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? हम कल कुछ भी नहीं करेंगे अगर ये मसला दो दिन में ऐसे रहेंगे। मैं ये पूरे लोगों को ले जाके मोगलपुरा टाके के सामने धरना बैठने वाला हूँ। मैं इमाम अजामी के यहाँ करबला बना दिए, इबलीस दहरा वावेला बोल के बैठने वाला हूँ मैं तो, या हुसैन बोल के पानी के खतरे के वास्ते। अगर पानी का मसला सुल्तान शाही में हल नहीं हुआ तो मैं मोगलपुरे में धरना दे रहा हूँ, उठा के ले जाओ, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, बच्चों के साथ पकवान करने बैठ रहा हूँ मोगलपुरे के अंदर। यह हद हो गई, मसला हल हो गया। मैं सीनियर आदमी था, सोशल एक्टिविटीज़ करने वाला आदमी, जर्नलिस्ट हो के जा के नुमाइंदगी करो मोगलपुरे में, गंदा पानी आ रहा, नल के मोरियाँ भरे, लाइन बदलो साहब, कान पे जू नहीं चढ़ी होते दारों के। मेरे को हुकूमत से और महकुमे बल्दिया से महकुमे वाटर वर्क से शिकायत है, मैं किसी को शिकायत नहीं करता हूँ। मेरे को कारपोरेटर साहब आते हैं 5 साल के चले जाते, MLA साहब आते हैं तब्दील होते, मेरे को उनसे कोई लेना देना शिकायत करना नहीं है, तो हमारा हक है। आप उनको वोट, आप देखिए आप उनको वोट डाले, आप उनको रिप्रेजेंटेटिव हो, जब तक आप उनकी नॉलेज में नहीं लेंगे जब तक आपका काम नहीं होता। हमारे MLA साहब आयवान में बोल रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, MLA साहब की बात को आयवान में बोले, बात 3 महीने में हुकूमत गिरा देते हैं ना, रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना। कारपोरेटर साहब को बजट नहीं दे रही गवर्नमेंट, मेरी शिकायत गवर्नमेंट से वाटर वर्क डिपार्टमेंट साहब, हरीश राव साहब कितना बजट होना लियो बोल रहे ना यहाँ पे, वो सिर्फ जाके तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बना के हिंदुस्तान में तरक्की करते फिर तो नहीं होता। यहाँ सुल्तान शाही में पानी नहीं दिया तो मैं धरना बैठता हूँ पूरे महिला वालों को लेके। कब बैठ रहे हैं धरना? अगर 2 दिन के अंदर इसका मसला नहीं हल हो रहा, रमजान से पहले मोगलपुरे में धरना बैठता हूँ मैं, करते गिरफ्तार करो, जो करते करो मेरे को। 2 दिन में तो काम आपको मुश्किल है ना? नहीं हुआ कल, अगर लाइन नहीं खुली या की कल पानी अगर साफ सुथरा नहीं हुआ, परसों धरना दे रहा हूँ मैं, इन्फॉर्म कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, मैं धरना दे रहा हूँ पूरे महीने। आप दे रहे ना, आप ही साथ दे रहे ना, बच्चों को लेके जाके बैठते हैं पकवाना क्या होता है, सुबह जाके गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, पानी नहीं, हुकूमत के बड़े बड़े नाक भांगे, उन जाके सूट पहन के अमेरिका में बैठ के मैं 20 लीटर पानी दे रहा, किसको दे रहे 20 लीटर पानी? कहाँ है सुनहरा तेलंगाना, सुनहरा हिंदुस्तान बना पे? अरे फिल्टर यहाँ पे, मोगलपुरा यहाँ पे, बगल में पानी नहीं है, शहर में टंडोरा कर रही गवर्नमेंट, जो एक्शन लेते लो मैं तैयार हूँ। यहाँ पे मैं धरना बैठने वाला हूँ, मेरे को अगर पानी महीने में नहीं मिला तो मैं 40 साल से महीने के अंदर बोरिंगा खुदाया, टैंकर डाला के डाला, अरे अब तक आखिरी उम्र तक पानी डालूँ? आप जिसको ऐवान में भेजे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे नुमाइंदे ऐवान में बराबर बोले, बराबर लड़े, लेकिन हुकूमत जो है नाक नहीं दे रही। हमारे नुमाइंदे बराबर ऐवान में बोले, बजट नहीं दे रहे कारपोरेटर साहब को, कारपोरेटर को बजट नहीं है काम कराने को, गुत्तेदारा गए। रिजन दे दो बोलो फिर उनको, कारपोरेटर को रिजन दे दो बोलो। नवीन से बात करा, नवीन कल आया, मैं आपको फोटोज देता हूँ, नवीन सुपरवाइजर है मोगलपुरे का, नवीन आया बात करा, नवीन बोला मैं एस्टीमेट बनाया, एस्टीमेट दे दिया साहब, अप्रूवल नहीं मिला। हाईएस ऑफिसर हम बैठ के अपने पूरे लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, अपने पूरे घरों में टैंक करा, हाई लाइफ, पानी वही आवाम गरीब पानी को तड़प रही। गलत कर रहा हूँ भाई मैं, आप लोग बोलो पानी की तकलीफ, पानी की तकलीफ, बोलो जी आप लोग क्या है, जाना बुलाना वो बुलाए तो 8-8 दिन के बाद, 8-8 दिन मस्जिद के सामने आ जाना, नमाज के लिए जाना बड़ी मुश्किल होता है।
जाते लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, पानी में बूंदा लग जाए। 40 साल पहले भी टैंकर आती थी, आज भी टैंकर आ रही, क्या तरक्की करा फिर? फिर आप लोग तरक्की नहीं कहा था का ना, वही बोलो ना, मैं वो हम जो बोले आपको ये हम बताए तो फिर आपके आंटी बताए बोल के बताते ना। हम कल धरना देते हैं, कल दे रहे हैं आप, क्या टाइम पे दे रहे हैं धरना? हाँ क्या टाइम पे दे रहे हैं? ऑफिस में जा रहा हूँ कल, मैं जा रहा हूँ लेके, एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, काम नहीं हुआ, नल नहीं खुला, चल रहे ना मेरे बाद आप लोग बोलपुरे में धरना बैठ चल पक्का। कल जा रहा हूँ ऑफिस को, उसको लेके, कल काम नहीं शुरू हुआ, टप्पा नहीं लगा यहाँ पे, अगर फाइनल नहीं पकड़े गए परसों तो हमें धरना है, रमजान से पहले धरना था, तो पानी हम रमजान में रोजा रह के इतना भर नहीं सकते, और ये टैंकर से पानी भर नहीं सकते ये उम्र में हम लोग, क्योंकि अगर रमजान में काम हुआ तो फिर आप लोगों को आने जाने तकलीफ होती ना। हम एक दिन का होता साहब, लाइन से टप्पे खुदे ना, फॉल पकड़े जाता लाइन, एक वक्त खोद के डाले तो एक साल तक नहीं होता, एक दिन में कहाँ से होता। स्पेशल ये है कि आप लोग तकरीबन जगह पे समझो आप टप्पे खुदे और उनको सही क्लिक नहीं हुआ, पीछे खोदे तकरीबन जगह पे पीछे खोदे, पीछे पकड़ेगा पानी, ये लाइन में पूरा पानी है यहाँ पे, ये सीट चला जा रहा है, 20-25 दिन से काम चल रहा है, पी सक रहे पानी, बोरवेल का पानी लगे पी रहे, बोले तो बोले फिल्टर लगा दिए ना, फिल्टरों का पानी कौन सा है, बोरवेल का पानी है, आरओ से फार साफ करके दे रहे हैं, उससे किडनी से डायलिसिस बढ़ जा रहा है शहर के अंदर, डायलिसिस वालों का कारोबार चल रहा, क्या बोले तो फिल्टर लगा दिए, फिल्टर के पानी पियो, क्यों पीते फिल्टर का पानी, गवर्नमेंट का पानी पीने के बाद, नदियों का पानी रहने के बाद, पूरे फिल्टर के पानी 10 रुपये दो, 5 रुपये दो, फिल्टर की दुकान चल रही, अरे आरओ से साफ करके दे रहे, हम घर में लगा लेते आरओ का पानी, कोई जुर्म है क्या है हुकूमत का? ये बात मरना चलने पर उतरे हुए हम लोग संतानशाही वाले, तो अव्वल भी हम लोग जुल्म से है, फसादात में भी जुल्म से है, बच्चों के शहीदा हुए हमारे, अब पानी कैसे मरना है हमारे को, हर वक्त मर मर के जीना है हमारे को सुल्तानशाही में। खुदा हाफिज़, आप लोगों का मेहरबानी, शुक्रिया, ये पहुँचा दीजिए हुकूमत तक आप।